तो हापुड़ विधानसभा सुरक्षित है और ये मेरठ लोकसभा सीट में आती है। दलित वोटों की संख्या इस इलाके में ज़्यादा है। मैं एक ऐसी बस्ती में आया हूँ एससी वोटर्स का मूड जानने के लिए कि अभी वो मायावती के साथ उसी तरह से इंटैक्ट है, उसी तरह से जुड़े हुए हैं, या उसमें कुछ बदलती परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव हो रहा है। तो आपका नाम क्या है? देवी शाह। क्या करते हैं आप? मजदूरी। तो अब तो इस उम्र में भी करते हैं? नहीं जी, अब बस है तो मजदूर है। एक बात बताइए, मैं आया हूँ ये जानने के लिए, ये मायावती के जो वोटर हैं जी, हाथी के, बसपा के, जी, वो अभी उनके साथ हैं या कुछ कट लिए? भाजी अब मैं इतनी सारी पब्लिक है, मैं क्या बता सकूँगा किसी के मन की बात, बताओ। नहीं, जो आप देखते हैं, जो बातचीत होती है। हाँ जी, मायावती के साथ हैं। हाँ, बच्चापन से साथ हैं, उनका न्याय है। हाथी पे ही? हाथी पे ही। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो कहते हैं अनाज मिल गया, शौचालय मिल गया, सुविधाएं मिल गई सरकार, ये तो मजदूरों को गुमराह करने वाली बात है। क्यों, उनको सहायता करने वाली बात नहीं? हम मजदूर हैं, मजदूरी करेंगे, खाएंगे, और आज अनाज मिल रहा था, हम मजदूरी नहीं करने पाएंगे। सर गलत सही, जब हमारे कनस्तर में आटा होगा तो हम मजदूरी करने क्यों जाएंगे? ये तो गुमराह करने वाली बात है। हम मायावती के साथ हैं, साथ रहेंगे। मायावती के सारे वोटर में कोई बदलाव है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों जी? आप क्या मानते हैं? किसे जी? जो मायावती के वोटर हैं, खास करके एससी वोटर, वो उनको छोड़ के दूसरी पार्टी की तरफ भी जा रहे हैं? हाँ जी, जा रहे हैं। किस पार्टी की तरफ? इस पर जा रहे हैं, गठबंधन पर, गठबंधन पर जा रहे हैं। बहुत लोग जा रहे हैं। क्यों? बस ये तो उनके मन की बात है। इस बात के बारे में क्या होता, मैं तो जैसा बात करूँ लोगों से, वो यूँ बता रहे हैं कि मायावती तो अब बेकार हो चुकी, क्यों एक आध इसका बन भी जाएगा तो सत्ता मताने का कोई मतलब ही नहीं है, ना कोई कार्य कर सकती, इसलिए जो अपना गठबंधन भी वोट दे तो कम से कम तो हो जाएगा उसका, कुछ ना किसी ना किसी की सरकार तो चेंज हो जाएगी, सरकार तो बदल जाएगी। सरकार आप बदलना चाहते हैं? नहीं, हमारी माई से तो कोई रह जाओ, हमें तो करके खाना, हमारी माई से यूँ रह जाओ चाहे यूँ रह जाओ, हमें तो अटगटवाने किसान हैं हम तो। लोग जो कहते हैं आपसे, वो बदलना क्यों चाहते हैं? हाँ लोग भाई, ये पता नहीं क्या क्या कारण है भाई, वो तो उनका मन ही मान है। अब वोटर का तो मन का तो तुम पूछ नहीं सकते कुछ भी, मन की थोड़ी बता देगा। बहुत से तो ऐसे भी गुमराह कर रहे हैं जो कहते हम वोट बीजेपी को देंगे, और दे में है नहीं, तो लोग डरे हुए भी तो हैं। डरे क्यों है? पता नहीं क्या कारण है। अब जैसे हम किसान हैं, अब हमारा काम जाटों का है, और वो बीजेपी पर जा रहा, तो छोटी पब्लिक नहीं कह सकती उनसे कि हम बीजेपी को देंगे वोट, हम तो नहीं कहेंगे जी बीजेपी को देंगे हम तो। अच्छा, हाँ। आप जाटों के काम करते हैं? हाँ, जाटों में काम करें, जब हम गोस्वामी हैं, वैसे गोस्वामी हैं। हाँ। हमारा लिंक तो बीजेपी से है, लेकिन हम रहे तो जाटों के काम में रहे, हमारे थोड़े से घर हैं। तो जाट किधर है? जाट तो ज़्यादातर या तो अब इस टाइम तो कुछ दो जगह कटकटे हुए हैं, कुछ बीजेपी भी हैं और कुछ तुम गठबंधन पर भी हैं, क्योंकि इसकी वजह से ये जो चौधरी का लड़का जो आ गया, इस वजह से तो बीजेपी पे भी है। अब गोस्वामी किधर है? गोस्वामी तो बीजेपी पे रहे हैं पहले से। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हिमांशु सिंह है, मैं हापुड़ से ही बिलोंग करता हूँ। और जो अभी आपके क्वेश्चन थे, मैं सुन रहा था कि किसके सपोर्टर हो या मायावती की जो वोटर्स हैं वो देखो अभी... मैं यहाँ पे आया, ये दलित बस्ती बहुत बड़ी है। हाँ, काफी तो बड़ी है ये। हा? काफी बड़ी है, इधर सारे तुम्हारा भीमनगर, तुम्हारा सोटा वाली, लज्जापुरी, तुम्हारा इधर मतलब सारा एरिया कविनगर सब दलित समाज का है, पूरा दलित समाज का। काफ़ी टाइम से, पिछले कम से कम 35-40 साल से यहाँ पूरा दलित समाज बसा हुआ है। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, मेरा घर यहीं है, सामने से ही हूँ मैं। तो वही मैं पूछ रहा था कि ये जो एससी समाज के लोग हैं, वो मायावती की पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी की तरफ भी उनका रुझान है? देखो, इस मसले में मैं यही कहना चाहूँगा, ये जो मायावती के जो सपोर्टर थे पहले से, जो अभी तक वो भी दलित समाज जो है वो कुछ कट गया है, कुछ आज भी साथ है। क्यों?
जो कटा है वो पढ़ा लिखा एजुकेटेड पर्सन कटा है, वो उसका भी कारण है क्यों है कि शुरू से अब तक अपने समाज को वोट देता आया है, उसे वो व्यवस्थाएं मिली हैं, लेकिन कुछ हाल फिलहाल में कुछ सालों में ऐसा हुआ है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। वो अन्याय क्या है, जो समाज है दलित समाज है उसकी, जो शासन प्रशासन में लोग बैठे हैं वो दलित समाज की सुनवाई जो वो अब कर रहा है बीजेपी सरकार में उसकी नहीं सुनी जा रही, जहाँ तक जनरल कास्ट की सुनी जा रही है वो जाटा समाज की नहीं सुनी जा रही, इसलिए वो समाज कट चुका है। पढ़ा लिखा समाज जो ओल्ड समाज है पुराना समाज है वो आज भी मायावती के साथ है। अब मेरे को ही ले लो, मैं यंग पीढ़ी हूँ, जनरेशन हूँ, मैं हर चीज़ को एनालाइज़ करता हूँ, सोचता हूँ, देखता हूँ, तो उसके हिसाब से हमारी मायावती को वोट शुरू से ही गई है। हमारे पिताजी ने माताजी ने, मेरी एज हुई है, मेरी फर्स्ट टाइम वोट आई थी मुख्यमंत्री के चुनाव में, अब सेकंड टाइम अब आई है, आ चुकी है लोकसभा चुनाव में। तो मेरा तो यही मानना है, मैं जो अपनी वोट दूंगा वो इस बार की वोट मेरी तरफ से मायावती को पूर्ण समर्थन दी जाएगी, पूरी मायावती को दी जाएगी। उसका रीज़न है, उसका ये है कि जब अपना ही समाज एक साथ नहीं रहेगा तो ये तो बटनी है। हालांकि वोट तो मेरा यही है कि अब इस बार मायावती के साथ हम रहेंगे, देवदत्त त्यागी जी के साथ रहेंगे। अभी तो कुछ और बोल रहे थे, अभी कुछ और बोलने लगे बीच से। कुछ और इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनके साथ वो बीती हुई है, मैं उनकी बीती हुई बता रहा हूँ। क्या पता अगर हमारी सत्ता आए, हमारा समाज आगे बढ़े तो वो समस्याएं हल होती चली जाए, लेकिन हमें अपने समाज को नहीं अलग करना चाहिए, अपने समाज के साथ ही चलना चाहिए। जैसा कि हम जनरल जाति को अभी तक देखते आ रहे हैं, उनके साथ मैं कह रहा हूँ सड़क पर आ जाएं, बेरोजगारी, घर में रोटी ना हो, लेकिन फिर वो क्या कहेंगे, मोदी आएगा। उसका क्या रीज़न है, कुछ अंधभक्त भी हैं और कुछ क्या शुरू से वोटिंग करते आ रहे हैं। ऐसे हम अपने समाज को खाली नहीं जाने देंगे, शुरू से सपा को तुम्हारा उसको देते आए हैं, BSP को देते आए हैं। नए लोगों में चंद्रशेखर का कोई प्रभाव? हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद का भी प्रभाव है, वो मायावती जी को अपनी बहन जी बताते हैं, और तुम्हारा काशी उनको भी अपने बताते हैं कि मैं उनके ही धारा पर चल रहा हूँ बाबा साहब के, और वो अपने जाटा समाज को बहुत प्रोत्साहित करते हैं कि मैं हमेशा साथ खड़ा हूँ और आगे भी साथ खड़ा रहूँगा, और जाटा समाज भी हमें सपोर्ट करे, और आगे मैं अगर आऊँगा तो आपको वही नीति दी जाएगी जो हमारी बहन जी मायावती। अच्छा, ये बताइए SC समाज में BJP का कितना वर्चस्व है? बिल्कुल जीरो अंडा, बिल्कुल खत्म। क्यों? अनाज मिल रहा है यार, क्या शौचालय, वो कहते हैं अनाज मिल रहा, शौचालय मिल रहा, घर मिल रहा। अभी अनाज मिल रहा, शौचालय मिल रहा, घर मिल रहा है, वो ये घुमरा करने वाली बात है ना अंकल जी ने बताई है। अभी भाई उससे पहले भी तो ये सब चीज मिल रहे थे, नई चीज थोड़ी मिल रही है ये। चलो अगर ना भी मिल रही हो तो क्या गरीब आदमी अपना पेट नहीं भर रहा क्या, अपने इससे पहले मजदूरी करके? बस फर्क इतना था, पहले कम बेरोजगारी थी, अब ज्यादा है।